भारतीय महिला क्रिकेट टीम में कोच रमेश पवार को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पवार के करार के विवादास्पद अंत के बाद सोमवार को T20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और उप कप्तान स्मृति मंदना ने खुलकर कोच के पक्ष में उतर गईं। उन्होंने कोच की वापसी की मांग की। पवार को अंतरिम कोच का कार्यकाल 30 नवंबर तक खत्म हो गया था। माना जा रहा है कि सीनियर खिलाड़ी मिताली राज के साथ मतभेद के कारण उनका करार नहीं बढ़ाया गया। प्रशासकों की समिति COA के अध्यक्ष विनोद राय ने बताया कि हरमनप्रीत और स्मृति ने पवार को 2021 तक कोच बनाने का समर्थन किया है। पवार को अंतरिम कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हुआ। BCCI पहले ही इस पद के लिए नए आवेदन मांग चुका है। पवार दोबारा आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं, विनोद राय ने कहा। हाँ, उन्होंने पत्र लिखा है कि वो चाहते हैं रमेश पवार अपने पद पर बने रहे। हरमनप्रीत और स्मृति ने पवार का कार्यकाल बढ़ाने का समर्थन किया। अमन यादव, पंजाब केसरी, दिल्ली।